वेलकम क्लास, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने कक्षा आठ की, और कक्षा आठ का अपना अध्याय चल रहा है दो। और अध्याय दो क्या है वो तो आपको पता ही है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण अपना क्या है अध्याय। और इसमें हम कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज 2.3, प्रश्नावली 2.3 चल रही है। और ये भाग है अपने क्लास कौन सी है, नवीं क्लास है, ये नौ भाग है। तो इसको हम आगे देख लेते हैं कि भाग 9 में क्या पढ़ना है। कि आपने 2.3 पहले स्टार्ट कर ली थी, अब हम क्या करेंगे 2.3 को आगे हल करेंगे। कि पहला सवाल हमने कर लिया था, पहला सवाल सबने कर लिया था, दूसरा कर लिया था, आज बारी है किसकी, तीसरे की। कि 2.3 में क्या देख रहे थे वो बता देता हूं। कि 2.3 में आपके समीकरणों को क्या करना है, हल करना है, और समीकरण की क्या करनी है, अपने उत्तर की क्या करनी है, जांच करनी है। तो ये काम है वो सेम अपने क्या है पीछे के 2.1 जैसा ही है, पर फर्क थोड़ा सा है कि 2.1 में मैंने आपको बताया था कि समीकरण के एक तरफ ही क्या थे, चर थे, कि जो चर का मान था वो समीकरण के एक तरफ था। अब यहां पे अपने क्या है, यहां पे समीकरण में दोनों तरफ क्या आएंगे, चर आएंगे, जैसे कि 2x बराबर 5x माइनस 9। तो इन समीकरणों में क्या है अपने के लेफ्ट साइड में भी चर है और राइट साइड में भी आपके क्या है चर है, दोनों तरफ चर है अपने, पर यहां पे क्या नहीं है, दोनों तरफ चर नहीं है। यहां पे आपके लेफ्ट में ही चर है, और लेफ्ट में है तो राइट में नहीं है, और राइट में है तो लेफ्ट में नहीं होगा, ये आपके कॉन्सेप्ट चलता है। अब इनको हल करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जिधर आपके चर का मान बड़ा है, जैसे कि 5x और 2x में से बड़ा कौन है, 5x है, तो अपने 2x को उठा के किधर लेके आओ, 5x की तरफ लेके आओ। और उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं अपने दूसरी तरफ लेके आ जाओ। ये काम करते हैं, और काम करना किससे, पक्षांतरण से करना है। तो करते हैं अपन सवाल नंबर 3। ये है आपका सवाल नंबर 3, 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। क्या है आपके 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। दोनों तरफ चर है, आप देख लो कि इधर भी आपके चर और इधर भी चर है, दोनों तरफ चर है, तो आप देखो कि दोनों चर में से बड़ा कौन है, कि 5x और 3x में से बड़ा कौन है, 5x बड़ा है, तो 3x को उठा के किधर लेके चलो, 5 की तरफ लेके चलो। तो 5 की तरफ लेके आ जाओ आप लोग, क्या करो कि ये अपना 5x है और ये प्लस का 9 है, और ये 3x इधर आएगा, 3 अभी किसका है, प्लस का है, तो इधर आते ही किसका हो जाएगा, माइनस का। केल राइट से लेफ्ट में आओ, पक्ष बदलते ही क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है, ये तो आपको पता है। उसके बाद क्या करेंगे, 5 को वापस लिखेंगे, हो गया पक्षांतरण। अब आप देखो कि पक्षांतरण होने के बाद जो चर के साथ संख्या है उसको क्या करो, दूसरी तरफ पक्षांतरण करो। कि चर के साथ संख्या कौन सी है आपकी, कि चर के साथ संख्या है 9, तो 5x 9 का तो पक्षांतरण हो गया, हटा दो इसको, माइनस 3x बराबर का बराबर आगे 5, 5 आया, अब क्या होगा, 9 का पक्षांतरण होगा ना आपके, 9 का पक्षांतरण होगा, 9 प्लस का है किसका हो जाएगा, माइनस का, ये काम हो गया आपके। उसके बाद क्या होगा, 5 माइनस 3x, तो 5 माइनस नहीं, 5x माइनस 3x, तो यहां पे क्या होगा, 5 माइनस 3 कितना होता है, 2, और 5 में से 3 कम हुआ, कौन हुआ, x कम हुआ ना, तो यहां पे लिख दो x। उसके बाद बराबर, अब 5 में से 9 कम करो, इसमें से 5 में से 9 कम करना है, अब 9 क्या है, माइनस का है, और 5 क्या है, प्लस का है, बड़ा माइनस का है और छोटा क्या है, प्लस का है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का अंतर निकाल लो, आप तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अंतर देखना है, दोनों के बीच में अंतर है 4 का, और बड़े वाले का चिन्ह यहाँ पे लिखो, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आया माइनस का 4। अब आपको क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है, ना कि 2x का, 2x का मान ज्ञात नहीं करना है अपने को, तो अपने को सिर्फ मान ज्ञात करना है x का, तो इस 2 का भी क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो, 2 का पक्षांतरण करते हैं, 2 किधर है, गुणा में है,
पक्षांतरण होते ही क्या बनाएगा, भाग बनाएगा, तो इधर आ जाएगा माइनस चार बटा दो। तो ये आपके क्या आया, x का मान आया। अभी इसको थोड़ा सरल कर लो कि दो से चार में भाग लगाते हैं क्या आता है, दो आता है, तो ये हो गया आपके x माइनस का दो। तो ये आपके उत्तर आ गया। अब उत्तर आने के बाद आपको बोला है कि उत्तर की क्या करो, जांच करो। आपको क्या करना है, उत्तर की जांच भी करनी है। तो उत्तर की जांच करने के लिए आपको पता है कि क्या करते हैं, इस x के मान को क्या कर दो, समीकरण में रख दो, जहां पे भी x दिखाई देता है वहां पे आप क्या कर दो, वहां पे आप x का मान रख दो। जब x का मान रखोगे तो आपके उत्तर निकल के आ जाएंगे। x का मान रखो यहाँ पे कि जांच कार्य कर रहा हूं मैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने उत्तर की जांच कर रहा हूं, और जांच करेंगे तो x की जगह क्या रखूंगा, पांच, पांच क्या माइनस दो, कि x की जगह क्या रखेंगे, माइनस दो। आप चाहो तो इस लाइन को लिख सकते हो कि x बराबर माइनस दो रखने पर, कि x बराबर माइनस दो रखने पर क्या होगा, कि x बराबर माइनस दो रखने पर पांच का पांच, x की जगह आ जाएगा आपके माइनस का दो, और उसके बाद प्लस नौ, प्लस नौ, और बराबर आएगा आपके पांच, प्लस आगे क्या है तीन, और x की जगह क्या लिख दो, माइनस का दो। तो ये आपके काम करना है, जहां पे भी x लिखा हुआ था मैंने क्या कर दिया, माइनस का दो लिख दिया। अब आप क्या करो, इस पांच को माइनस दो से गुणा करो। जब प्लस का पांच माइनस पांच के प्लस का पांच माइनस दो से गुणा होता है, क्या होता है आपके माइनस का दस बना लेगा, दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, प्लस और माइनस गुणा होके क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। उसके बाद आप लोग देखो कि प्लस का नौ है आगे, उसके बाद बराबर, और उसके बाद पांच, प्लस का तीन और माइनस का दो गुणा होंगे क्या हो जाएगा, माइनस का उत्तर आएगा, और इन दोनों का गुणा कितना है, छह है। तो ये आपके क्या आया, पांच माइनस छह। अब आगे देखो कि माइनस का दस और प्लस का नौ, माइनस का दस और प्लस का नौ, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, एक का है, ये देख लो आप लोग, और बड़ा कौन है, माइनस का दस है, तो माइनस लगा दो। उसके बाद बराबर, आगे क्या है, पांच माइनस छह, माइनस आ गया, दोनों में अंतर कितने का है, दोनों में अंतर एक का है, और पांच में से छह कम करते हैं, तो अब देखो कि चिन्ह किसका आएगा, बड़ा कौन है आपका, माइनस का, छह बड़ा है तो चिन्ह आएगा माइनस का। दोनों पक्ष बराबर मिले तो लिख देना एल एच एस बराबर आर एच एस। ये आपके जांच क्या हो गई, पूरी हो गई। आगे देखो सवाल नंबर चार, सवाल नंबर चार देखो आप लोग, सवाल नंबर चार क्या है आपका, चार जेड प्लस तीन छह प्लस दो जेड। बहुत ही आसान सवाल है आपके, चार जेड प्लस तीन और छह प्लस दो जेड। इस दो जेड का पक्षांतरण कर लो पहले, कि चार जेड प्लस तीन माइनस दो जेड, प्लस का है किसमें परिवर्तित होगा, माइनस में परिवर्तित होगा, और बराबर छह। अब इस तीन का पक्षांतरण कर लो आप लोग, के चार जेड माइनस दो जेड बराबर छह, प्लस का है किसका हो जाएगा, माइनस का तीन। उसके बाद चार में से दो कम किए क्या आया, दो, और कौन है, कौन कम हो रहा है, जेड कम हो रहा है, तो दो जेड बराबर छह माइनस तीन कितना हुआ आपके, तीन। अब आपको तो जेड का मान ज्ञात करना है, तो जेड का मान ज्ञात करोगे तो दो का क्या हो जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा, तो तीन बटा क्या आ जाएगा आपके, दो। तो ये आया जेड बराबर तीन बटा दो। आगे आप लोग देखो कि आपको क्या करना है, अब अपने को इसकी जांच करनी है, तो जांच करने के लिखो जांच कार्य, या फिर लिख दो जांच, कि एक्स बराबर तीन बटा दो रखने पर, एक्स बराबर तीन बटा दो रखोगे तो क्या होगा आपके, कि एक्स बराबर तीन बटा दो रखोगे तो जेड की जगह, अच्छा एक्स नहीं है जेड है, याद दिला दिया करो कि एक्स नहीं है जेड है, फिर एक्स लिख रहा हूं, आदत हो गई है ना एक्स की, ये आपके लिखो जेड, जेड बराबर क्या रखना है, तीन बटा दो। अब इस तीन बटा दो को उठा के अपने जेड की जगह लिख दो कि चार ब्रैकेट में आएगा जेड प्लस तीन बराबर छह प्लस दो, और गुणा कौन आ रहा है, जेड हो रहा है, तो यहां पे लिख दो तीन बटा दो,
और यहाँ पे भी लिख दो 3/2। जहां पे भी जेड था 3/2 लिख दिया मैंने। अब आप लोग आगे क्या करोगे, इसको काटोगे ना, 4 और 2 का भाग लगेगा 2 बार, इधर 2 से 2 कैंसिल, गुणा हो गए ये आपस में, के 2 गुणा होगा 3 से क्या आएगा 6+3=6+3, इधर आया 9 और इधर भी आया 9, के LHS बराबर है RHS के। इसका मतलब क्या है, आपका उत्तर सही है कि यदि ये दोनों बराबर नहीं आए तो क्या होगा, Z का मान आपके क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा। यदि बराबर नहीं आते तो सही नहीं होगा और आप क्या करोगे, समीकरण को वापस हल करोगे। ऐसा नहीं है कि सवाल ही गलत लिखा हुआ है, सवाल कभी गलत नहीं होता बीज व्यंजक में। ये जो बीज व्यंजक नहीं है, समीकरण है अपने, समीकरण कभी गलत नहीं लिखी हुई होती, कोई ना कोई मान निकल के ही आएगा चाहे कुछ भी करो। तो ये काम हो गया आपके। आगे आप देखो सवाल नंबर 5 देखो, ये सवाल नंबर 5 है आपके, 2x-1=14-x के इधर 2x और इधर -x, छोटा कौन है, के ये छोटा है, इसको उठा के इधर लाओ, कि ये 2x माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का x और बराबर कौन होगा 14। अब इस एक का पक्षांतर करो कि 2x+x=14+x के इसके बाद देखो कि 2x+x कितने हो गए, 3x=14+1 कितने हो गए, 15। और यहां पे क्या आएगा आपके, कि x का मान ज्ञात करना है ना अपने को, तो और कोई काम ही नहीं है अपना, x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, यहां पे ये x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा बताओ, कि x का मान ज्ञात करने के लिए 3 का पक्षांतर कर दो तो आएगा 15/3, 3 गुणा में है, 3 का 15 में भाग लगता है कितने बार, 5 बार, तो उत्तर क्या आएगा, x=5। अब इसकी आपको क्या करनी है, जांच करनी है, कर लो जांच, के जांच में क्या करोगे, x=5 रखने पर, x=5 रख दिया हमने, x=5 रखने पर क्या होगा, जहां पे x है वहां पे 5 रख दो, -1=14-5, x ही तो है मतलब 5 आ जाएगा, तो ब्रैकेट में 5 रख दो x की जगह, ब्रैकेट की जगह छोड़ दी, मतलब यहां पे x लिखना है अपने, क्या उसके बाद क्या करो, 2 5 से गुणा होगा तो 10-1=14-5, 10-1=9 और 14-5 कितने होते हैं 9, इसका मतलब क्या है, LHS=RHS, ये भी आपके सवाल पूरा हो गया। तो समीकरण वाले जो भी सवाल है वो प्रश्नावली आपके जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, पर जो समीकरण बनाने वाली है उसमें क्या करना पड़ता है, एक एक चीज को आसानी से एक्सप्लेन करना पड़ता है, मतलब बहुत ही डीपली अपने को सोचना पड़ता है तो समीकरण बनती है, तो उनमें थोड़ा टाइम लगता है, वो टाइम अपने क्या हो रहा है, इन प्रश्नावलियों में कवर हो रहा है। आगे आप देखो 8x+4 देखना है अपने को, 8x+4, उसके बाद 3x-1 +7। अब ये कैसा सवाल है, सवाल तो सेम ही है, वही पैटर्न सेम है, बस ये ब्रैकेट आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो इस ब्रैकेट को हटाओ, पहले इस ब्रैकेट को उड़ा दो ना, हटा दो इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को हटाओगे तो 3 गुणा होगा x से, तो 3x माइनस का 1 और 3 गुणा होकर क्या बनाएगा, -3, उसके बाद +7, ये लो आपके थोड़ा सा हल हो गया। अभी समीकरण दिखने लग जाएगी कि 8x+4, उसके बाद क्या है, 8x+4, अभी ये दोनों क्या हो रहे हैं, हल हो रहे हैं, थोड़ा हल कर दो इनको भी, के -3+7 के -3 को पीछे ले जाके लिखो, क्या आएगा इनका आंसर आएगा आपके 4, इसका मतलब क्या आया, 3x+4 और यहां पे क्या आएगा, 8x+4। अब आप लोग आगे काम करो अपना, आगे काम क्या करोगे, इस 3x को उठा के इधर लेके आओगे तो 8x+4 -3x
बराबर चार। अब इस प्लस के चार को उठा के इधर लाओ कि आठ एक्स माइनस का तीन एक्स बराबर चार, प्लस का चार है इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का चार। अब इसके बाद क्या होगा, इन दोनों को कम करूं तो आठ में से तीन कम हुआ तो क्या आया पांच, और क्या कम हुआ एक्स कम हुआ। उसके बाद चार में से चार कम हुआ जीरो, एक्स का मान क्या आ जाएगा जीरो बटा पांच, और एक्स का मान क्या आएगा जीरो, एक्स का मान क्या आया आपके जीरो आया है। आ सकता है एक्स का मान तो कुछ भी आ सकता है। अब आप इसको चेक कर लो सही आया कि नहीं आया। चेक कैसे करेंगे, जांच, जांच करके देखो। जांच करेंगे क्या करेंगे, एक्स की जगह एक्स बराबर जीरो रखने पर, एक्स बराबर जीरो रखने पर जहां पे भी एक्स है वहां पे ब्रैकेट खाली छोड़ दो एक तो पहले, प्लस चार बराबर तीन ब्रैकेट, और एक और ब्रैकेट खाली छोड़ दो, ब्रैकेट लगाना है ना अपने को तो कोई बात नहीं कितने भी ब्रैकेट लगा सकते हो, माइनस का एक प्लस का सात। अब एक्स बराबर क्या है जीरो, तो एक्स बराबर खाली ब्रैकेट में जीरो लिख दो। अब इसको थोड़ा हल कर लो कि आठ को जीरो से गुणा करूंगा जीरो प्लस चार बराबर, तीन ब्रैकेट के बाहर है ब्रैकेट के बाहर रखो, अभी जीरो माइनस एक क्या आता है माइनस एक, उसके बाद प्लस का सात, जीरो प्लस चार चार, तीन को माइनस एक से गुणा करते हैं तो माइनस का तीन प्लस सात आया आंसर, के माइनस का तीन प्लस का सात क्या होता है चार होता है, और ये चार दोनों बराबर है, नीचे लिख देना एल एच एस बराबर आर एच एस। ये आपकी जांच पूरी हो गई। अब जब जांच पूरी हो गई है तो सवाल हो गए अपने छह, टाइम देखते हैं क्या हुआ है, अभी टाइम है बहुत सारा टाइम है अभी तो, और बहुत सारे आधे सवाल हैं बचे हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे। ये सवाल नंबर सात देखो, सात क्या है x बराबर चार बटा पांच, x बराबर क्या है चार बटा पांच है, तो x बराबर चार बटा पांच को आप क्या करो इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करवा दो, कि क्या कर दिया ब्रैकेट के अंदर गुणा करवा दिया। एक काम और कर सकते हो, इसको आसान करें कि इस पांच को क्या करते हैं पहले इधर गुणा करते हैं, पांच का पक्षांतर कर देता हूं ना आसान काम हो जाएगा, एक तो सीधा मिलेगा अपने को, लसपे की चिंता खत्म हो जाएगी कि पांच को पक्षांतर कर देते हैं तो होता है पांच एक्स, आगे क्या बचा पीछे चार बचा अपना और आया एक्स प्लस दस। ये लो बहुत ही आसान काम हो गया आपके तो, के इधर पांच एक्स, अब इस चार को अंदर गुणा कराओ दोनों के ऊपर हमला कर दो इससे, के आएगा चार और एक्स मिलके बनाएंगे चार एक्स प्लस चार गुणा होगा दस से तो चालीस। अब इस चार एक्स का पक्षांतर कर लो, पांच एक्स माइनस चार एक्स बराबर चालीस। अब चार में से पांच में से चार कम हुए क्या आया आपके सिर्फ एक्स बचा, उसके बाद क्या होगा चालीस, तो ये एक्स बराबर चालीस आपका क्या है आंसर है। इसकी जांच करके बता देता हूं, जांच क्या होगी एक्स बराबर क्या रखना है चालीस रखने पर, कि एक्स बराबर चालीस रखने पर क्या होगा एक्स की जगह रखो चालीस बराबर चार बटा पांच, आगे ब्रैकेट के अंदर क्या है एक्स है तो रखो चालीस प्लस दस, के ये हुआ चालीस बराबर चार बटा पांच, चालीस प्लस दस कितना होता है पचास, पांच से पचास कैंसिल हुआ दस बार, दस गुणा होगा चार से तो चालीस और ये चालीस, ये दोनों काम क्या हो गए आसान हो गए आपके। तो इतना काम करने के बाद थोड़े और आगे चले के कुछ है क्या अभी अपने, हाँ ये समीकरण करते हैं हल, समीकरण को हल करते हैं। तरीका क्या होगा, तरीका वही होगा अपना अब तक जो यूज में लिया था, के अब क्या करूं इस सात एक्स बटा पंद्रह और इस दो एक्स बटा तीन में पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है, नहीं पता चल रहा है कौन बड़ा है, तो आप क्या कर लो इस सात एक्स बटा पंद्रह को एक बार के लिए उठा के इधर लेके आ जाओ, लेके आ गए आप, लेके आओ यहाँ पे कि दो एक्स बटा तीन प्लस एक और ये क्या है माइनस का सात एक्स बटा पंद्रह, के प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, आगे प्लस का तीन
उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद क्या होगा, ये एक भी क्या कहेगा कि मैं भी अपने साथी के पास जाता हूं, बराबर आएगा ना बीच में, बराबर तीन, प्लस का तीन नहीं, बराबर तीन, ये तो पक्षांतरों के इधर आ गया तो इसके बीच में क्या होगा, बराबर ही तो आएगा। के आगे देखो आप लोग क्या होगा, यहाँ पे दो एक्स बटा तीन और ये एक उधर जाएगा तो पीछे बचेगा सात एक्स बटा पंद्रह और बराबर क्या हो जाएगा आपके तीन माइनस का एक, प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा आपके। उसके बाद देखो के इन दोनों का क्या करना है, लसप लेना है, लसप लेना है ना। और एक और आसान विधि बताता हूं, दोनों को आपस में गुणा कर लो, कितने हुए 45, आसान बताता हूं, दोनों को आपस में गुणा कर लो, कितने हुए 45 हुए। उसके बाद 15 को 2 से गुणा करो 30x, 3 को 7 से गुणा करो माइनस का 21x, हुआ आसान। और बराबर क्या आ गया, 3 माइनस 1 क्या हुआ 2। और थोड़ा हल देखो इसका और आसान करते हैं कि 30x माइनस 21x, 30 में से 21 कम हुए क्या बचे 9x बटा 45 बराबर 2। अब 9 में 45 का 9 का भाग 45 में करते हूं तो कर देते हैं तो क्या होता है कि 9 पंजू 45 के 5 बार कटेगा तो x बटा 5 क्या आएगा आपके 2 के बराबर आएगा, कि x बटा 5 किसके बराबर आ गया 2 के बराबर आ गया। यहां पे समझ में आया, 9 का भाग लगाया 45 में, कितने बार लगा 5 बार, ऊपर का 9 तो कैंसिल हो गया x बचा और 5 का आगे वापस आ गया, 45 की जगह क्या आया 5 आया तो 5 लिख दिया और बराबर क्या है 2। ये देखो कि x बटा 5 किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो x का मान निकालना है तो 5 का पक्षांतर कर दो तो x बराबर 2 गुणा 5, आई बात समझ में। तो x का मान किसके बराबर आएगा 10 के बराबर आएगा, तो ये हो गया x बराबर 10। आगे देखो आगे क्या करते हैं कि आगे अपना काम है जांच करने का, जांच, जांच में क्या करोगे x बराबर 10 रखोगे के समीकरण है 2 बटा 3 एक्स ब्रैकेट खाली छोड़ दो एक बार प्लस 1 बराबर 7 बटा 15 और आगे है x ब्रैकेट खाली छोड़ दो प्लस 3 ब्रैकेट में क्या लिखना है 10 लिखना है, ये लो 10 लिखो, यहां पे भी 10 लिखो। अब हल करो इसको, थोड़ा हल करके देखो क्या होगा कि 2 10 से गुणा होगा तो 20 बटा 3 प्लस 1 बराबर ये क्या होगा 5 का भाग लगेगा ना, यहां पे 5 का भाग लगेगा 10 में 2 बार और 15 में 3 बार तो आएगा 7 गुणा 2 14 और बटा 3 और ये हो गया प्लस का 3 के इसको क्या करना है थोड़ा सा हल करना है अपने को भी, इसको अभी थोड़ा सा हल करना है। हल करने के लिए आगे देखो आप लोग क्या करेंगे कि 3 है यहाँ पे भी और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे कुछ नहीं है। जब आपके कोई भी भिन्न लिखी हुई हो, कि भिन्न लिख दिया 2 बटा 3 आगे प्लस या माइनस करके कुछ भी लिखा हुआ है जैसे कि 5 लिख दिया तो आप क्या करो इस 3 को पूरे के नीचे लिखो, 3 के ऊपर क्या है वापस लिख दो और इसको क्या कर दो 3 से गुणा करवा दो कि 5 गुणा 3 क्या होता है 15, मतलब अंश हर को वापस लिखो, हर के ऊपर जो अंश है उसे वापस लिखो, जो चिन्ह है उसे वापस लिखो और हर को संख्या से गुणा करवा दो। इतना काम समझ में आया तो पेपर लसपे वसपे कुछ नहीं लेना आपको, के 3 को 1 से गुणा करो क्या आएगा 3 और इधर क्या है 20 और बटा क्या आएगा 3, 3 को 3 से गुणा करो 9 इधर क्या है 14 और बटा क्या है 3, ये कितना आएगा 20 प्लस 3 23 बटा 3 बराबर 14 प्लस 9 क्या आएगा 14 प्लस 9 23 बटा 3, ये लो आपके क्या आ गया आपका उत्तर आ गया कि ये दोनों क्या है बराबर है, लास्ट में लिख देना एल एच एस बराबर आर एच एस। इतनी बात समझ में आई तो और आगे चलते हैं, पूरी कर डालते हैं ना प्रश्नावली को, पूरी कर देते हैं कि 2y प्लस 5 बटा 3 26
बटा तीन माइनस वाई। तो इस y को पकड़ के पहले पक्षांतर कर दो कि दो y प्लस तीन बटा पांच प्लस y और बराबर 26 बटा तीन। उसके बाद आप देखो आगे क्या आएगा कि y के साथ में जो संख्या लिखी हुई है उसका पक्षांतर करो कि दो y प्लस y बराबर 26 बटा तीन माइनस पांच बटा तीन। अब यहाँ पे दो y प्लस y क्या हो जाएगा, दो और एक कितने होते हैं तीन, और दो और एक कौन है y है बराबर। जब दोनों हर क्या हो सेम हो तो यहाँ पे वापस लिखो और ऊपर की संख्या को माइनस करवा दो, प्लस है तो प्लस करवा दो। ये आसान आसान तरीके बता रहा हूं, वहां पे तो आपसे ये पूछा नहीं गया कि कैसे आपने उत्तर निकाला। लसपे विधि लगानी जरूरी नहीं है आपकी, लसपे विधि लगानी जरूरी नहीं है, ये आना जरूरी है। जिसके ये आ रहा है मतलब सही है, विधि तो रफ कॉपी में लगानी है आपको, ऐसा नहीं है पेपर में लगा के दिखानी है। तो ये उत्तर आना चाहिए उससे मतलब है, अब तरीका आपका कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया तीन वाई बराबर क्या आएगा आपके 26 माइनस पांच कितने होते हैं 21 और बटा क्या आएगा तीन, तीन का भाग लगाओ 21 में कितने बार, सात बार, सात तीन 21। और y का मान ज्ञात करना है ना आपको, तो कि y बराबर क्या आएगा सात और इधर क्या है तीन, जब इस तीन का पक्षांतर करूंगा तो क्या आ जाएगा बटा तीन। तो इसको तो उड़ा दो आप, पक्षांतर क्या कर दिया, कर दिया, हाँ तो आज ही कर दिया। अब उसके बाद थोड़ी सी इसकी जांच कर लो, जांच आपके लिए छोड़ दूं क्या, हाँ ठीक है जांच होमवर्क काम है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल बहुत ही आसान, बहुत ही आसान सवाल है। पहले आप क्या करो 5m की तरफ क्या करो, छोटे वाले को लेके आओ, के छोटे वाले को लेके आया 5m, पांच एम माइनस आठ बटा पांच और क्या होगा माइनस का 3m, प्लस का है ना माइनस का हो जाएगा। अब पूरा ही उठ के इधर आ गया, प्लस और माइनस में जब पक्षांतर होता है तो पूरा पद गायब होते ही पीछे क्या बच जाएगा, जीरो बचेगा। अब 5m माइनस 3m बीच में कौन है, बीच में है माइनस आठ बटा पांच, इस माइनस आठ बटा पांच को इधर लेके आओ तो ये हो गया जीरो, माइनस का है इधर आएगा तो प्लस आठ बटा पांच और बराबर क्या आएगा 5m माइनस 3m, पांच में से तीन कम हुए क्या आया 2m और ये क्या है जीरो, जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। अब इस दो का पक्षांतर करो आप लोग, के दो का पक्षांतर करोगे तो क्या होगा आठ बटा पांच, दो क्या है गुणा में है तो किसमें आ जाएगा भाग में आ जाएगा, ये लो भाग में लिख दिया, दो से आठ कैंसिल होता है चार बार तो m का मान कितना आएगा चार बटा पांच। तो ये आप क्या कर लोगे, इसकी जांच कर लोगे, m की जगह क्या रखना चार बटा पांच रखना और ये आपका क्या है होमवर्क है। आगे देखता हूं कुछ है क्या, आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्रश्नावली क्या हो गई कंप्लीट हो गई, आज के लिए इतना ही काम करते हैं, आगे हम देखेंगे प्रश्नावली 2.4। थैंक यू।